सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ दायर दूसरी एफआईआर को खारिज करने के फैसले को पूर्व सीएम धूमल ने सराहनीय करार दिया है। वहीं धूमल ने दूसरी एफआईआर को खारिज करने के निर्णय पर कहा कि झूठी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में एक एक मामले में 8-8 एफआईआर दर्ज की थी और ये सब बदले और राजनीति की भावना से किए गए केस थे जिनका अब सच्चाई से फैसला आया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 3 बेसिस के जजों द्वारा दिए गए निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से किए थे जो आज समाप्त हुए हैं। उन्होंने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि एचपीसी प्रदेश की धरोहर है लेकिन कांग्रेस ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। गत दिनों उच्चतम न्यायालय के 3 जजेस के बेंच ने एक निर्णय देकर जो एफआईआर अनुराग ठाकुर मेरे और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई थी उनको क्वैश कर दिया था। रद्द होने के बाद फिर कांग्रेस के वकील ने फिर भी नहीं माना और फिर कहा कि निर्णय गलत हो गया है और मीडिया में इस तरह से दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ी भूल सुप्रीम कोर्ट की हो गई हो। आज फिर 3 जजेस के बेंच ने वो एफआईआर क्वैश कर दी है। इस प्रकार से हमारे खिलाफ लगभग 7-8 जो एफआईआर कांग्रेस के सत्ता के दौरान दायर की गई थी वो उच्चतम न्यायालय में जाकर रद्द हुई है। कांग्रेस की सरकार श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में किस बदले की भावना से काम करती रही उसका स्पष्ट प्रमाण है। एक एफआईआर ही बहुत होती है, एक एक मामले में कई कई एफआईआर की गई और 7-8 एफआईआर जाके सुप्रीम कोर्ट में क्वैश की गई हैं। जो बदले की भावना से की राजनीतिक आधारों पर किए गए केस थे वो सब समाप्त हुए हैं। हम धन्यवादी हैं उच्चतम न्यायालय के, सारे न्यायपालिका के, अपने लॉयर्स के और उन लोगों के जो हमारे साथ खड़े रहे जब हमारे साथ अन्याय किया जा रहा था, स्टेडियम पर नजायज कब्जा करने का प्रयास हो रहा था जबकि वो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो प्रदेश की धरोहर है, प्रदेश के नौजवान बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उसमें भी दोष हमारे ऊपर डाला गया था। आज उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने सारा मामला स्पष्ट कर दिया है और बेनकाब हुए बहुत सारे चेहरे जो घिनौना काम करते रहे।